लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में समाजवादी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने के प्रयास में जुटी है। आज कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं और तमाम समर्थकों ने सपा में प्रवेश किया, जो इसका संकेत देता है। नवी मुंबई के सपा जिलाध्यक्ष अफसर इमाम ने कार्यकर्ताओं को झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। सपा नेता ने विश्वास जताया कि नए लोगों के आने से पार्टी और मजबूत होगी। इस अवसर पर सपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। आज कई दलों के दर्जनों पदाधिकारियों और पुराने कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अफसर इमाम का नेतृत्व स्वीकार करते हुए सपा में प्रवेश किया, जो इसका बड़ा संकेत है। जिलाध्यक्ष अफसर इमाम ने इन कार्यकर्ताओं को सपा का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। इस अवसर पर अफसर इमाम ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मार्गदर्शन और प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आजमी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आम जनों को सम्मान और समाधान दिलाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दूसरे दलों के कार्यकर्ता भी अब सपा के साथ जुड़ने लगे हैं और सपा की यह ताकत मनपा चुनाव में नजर भी आएगी। सारे तरह के लोगों को हम लोग ने पार्टी में जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कोशिश कर रहे हैं, और आज उसी क्रम में हमारे नासिर भाई अपने समर्थकों के साथ में यहाँ पर पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। एक्चुअल में ये जितने भी लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव साहब का मतलब के उनके काम करने की शैली को देखते हुए और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय अबू असीम आजमी साहब के जो कर्मकता है, जो काम करने की उनकी जो क्षमता है, सबको साथ में लेके चलने के लिए आज लोग बड़े पैमाने पर जो है उनकी पूरे टीम के लोग काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए लोग यहाँ पर पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो आज हम लोग जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, हम लोग की मंशा ये है कि हम लोग लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के अंदर में 80% से ज़्यादा लोगों को समाज का काम करने की क्षमता है और काम करना चाहते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिन में जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये सब दिल से काम करेंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे, और आने वाले दिन में महानगर पालिका का जो नवी मुंबई इलेक्शन होने वाला है, उस पर जो है आप देखेंगे कि हमारी पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम करने वाली है, पार्टी अपना यहाँ पर उपस्थिति यहाँ दर्ज करने वाली है। नवी मुंबई में इतना भारी करप्शन, आप यदि नवी मुंबई के रहवासी सभी जानते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन या बड़े बड़े राजनीतिज्ञ यहाँ जितने भी हो, इतनी ज़्यादा घोटालेबाजी, इतनी ज़्यादा जुबलेबाजी और इतना प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है कि जो मेन लोकल रेसिडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन सब से लड़ने के लिए आज यहाँ पार्टी मजबूती स्तर से आगे बढ़ रही है और हम आगे भी यहाँ काम करने वाले हैं। इन्हीं को समर्थन देते हुए इस पार्टी को हम यहाँ से मजबूती से आगे लेके जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सपा उन लोगों को समाधान दिलाने के लिए मदद कर रही है जो वाकई उपेक्षित और पीड़ित हैं, इसलिए ऐसी पार्टी को मजबूती देना जरूरी है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी है, गरीबों का समर्थन करती है, गरीबों के साथ में रहती है, उसमें कोई जात पात का कुछ लेना देना नहीं है, सब एक साथ मिलके रहते हैं। हमारे बहुत खास दोस्त एडवोकेट पाठक साहब ने हमको यहाँ तक लेके आया, उन्होंने कहा कि चलो सब मिलके अपनी पार्टी का समर्थन करेंगे, ये पार्टी गरीबों का है, उसके बारे में हम लोग समाजवादी पार्टी का ज्वाइन किए और हम लोग इसकी अच्छे से अच्छा सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा इसका हम लोग काम करें और लोगों को जोड़ें। हमारे अफसर भाई हैं, उन्होंने हमें स्टार्ट में ये पार्टी के लिए अवसर दिया कि आप ये यंगस्टर हो, आप यंग लोगों के लिए क्या सोचते हो, तो उस अनुसार हमने ये पार्टी ज्वाइन की है। तो उस अनुसार हम चाहेंगे कि हमारे अफसर भाई आगे इसको ये पार्टी की सोच को प्रमोट करें और यहाँ के लोगों को प्रमोट करें, गरीबों को प्रमोट करें, हिसाब से हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।